हाउ आर यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुवाहाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट 3 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ जूल थॉम्सन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जूल एंड थॉम्सन ने बहुत ही हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसको जाना जाता है जूल थॉम्सन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के नाम से। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट, जिसको बोला जाता है जूल थॉम्सन इफेक्ट। इस इफेक्ट को वेरीफाई कराने के लिए जूल एंड थॉम्सन ने मिलकर एक सेंसिटिव एपरेटस का यूज करते हुए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसको जाना जाता है जूल थॉम्सन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के नाम से, जिसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑब्जर्वेशंस हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हमने जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसकी ऑब्जर्वेशंस मींस क्या क्या रिजल्ट समराइज किए गए थे उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो हमने डिटेल्ड में स्टडी किए थे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स, जूल थॉम्सन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट की थ्योरी को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जूल थॉम्सन इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, जूल एंड थॉम्सन ने मिलकर ये ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी रियल गैस को पोरस प्लग में से पास करवाते हैं अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो रियल गैसेस जो है वो कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं। मोस्ट ऑफ द गैसेस जो है वो कूलिंग इफेक्ट ही शो करेंगी, मीन्स उनका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। बट दो गैसेस ऐसी हैं जो कि हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो कूलिंग इफेक्ट ना शो करके हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। जूल एंड थॉम्सन के द्वारा ऑब्जर्व की गई इसी ऑब्जर्वेशन को बोला जाता है जूल थॉम्सन इफेक्ट। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जूल थॉम्सन इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हम स्टडी करेंगे कि आपको इस टॉपिक में डायग्राम कैसे बनाना है, कैसे आप ये शो करेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द गैसेज हैं वो कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं और हाइड्रोजन एंड हीलियम जो हैं वो हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। साथ के साथ हम ये भी प्रूव करेंगे कि ये जो जूल थॉम्सन इफेक्ट है ये आइसोएंथैल्पिक इफेक्ट है, और हम ये शो करेंगे आज के इसी वीडियो में कि परफेक्ट गैस जो है वो जूल थॉम्सन इफेक्ट शो नहीं करती और जो बाकी गैसेस हैं मोस्ट ऑफ द रियल गैसेस हैं जो वो कूलिंग इफेक्ट शो करेंगे और हाइड्रोजन एंड हीलियम जो हैं वो हीटिंग इफेक्ट शो करेंगे। ये सब कुछ हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप स्टार्टिंग की थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे जूल थॉम्सन इफेक्ट की डेफिनेशन। जूल एंड थॉम्सन ऑब्जर्व दैट व्हेन अ रियल गैस एट सर्टेन प्रेशर इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली थ्रू अ पोरस प्लग इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, इट इज अकॉम्पेन्ड बाय कूलिंग एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम व्हिच शोस हीटिंग इन दिस प्रोसेस। जूल एंड थॉम्सन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी किसी रियल गैस को सर्टेन प्रेशर पर एक्सपेंड करने के लिए अलाउ किया जाता है एडियाबेटिकली मतलब रियल गैस को ना तो कोई हीट दी जाएगी ना ही हीट ली जाएगी, मींस हमारी रियल गैस और सराउंडिंग्स के बीच में कोई भी हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, मींस यहाँ जो प्रोसेस होगी वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, यहाँ जो एक्सपेंशन होगी रियल गैस की वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगी। और रियल गैस को एक्सपेंड करवाना है हमने पोरस प्लग में से, और एक्सपेंशन कहाँ करवानी है, हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में करवानी है। तो उस केस में जो रियल गैसेज हैं वो कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं, जबकि सिर्फ दो गैसेज ऐसी हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम जो हीटिंग इफेक्ट शो करेंगे, वो कूलिंग इफेक्ट शो नहीं करेंगी। दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड जूल थॉम्सन इफेक्ट। इसी ऑब्जर्वेशन को हम बोलते हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद इसके बाद हम इस टॉपिक का मैथमेटिकल पोर्शन स्टडी करेंगे और साथ में साथ वो देखेंगे कि आपने इस टॉपिक में डायग्राम कौन सा बना के आना है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आप इस टॉपिक में डायग्राम कौन सा बना के आएंगे। डायग्राम आप कुछ इस प्रकार से बना के आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर्स हैं, यह है हमारा सिलेंडर ए, ये है हमारा सिलेंडर बी, और ये दोनों सिलेंडर जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू अ पोरस प्लग के, ये हमारा पोरस प्लग के है। और स्टूडेंट्स, ये इस सिलेंडर्स के अंदर दो पिस्टन हमने फिट किया हुआ है, सिलेंडर ए के अंदर पिस्टन डी सी फिट किया हुआ है और सिलेंडर बी के अंदर पिस्टन डी हमने फिट किया हुआ है, और ये दोनों पिस्टन जो हैं सिलेंडर ए एंड बी के अंदर स्मूथली
इन एंड आउट जो है वो मूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या मान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि सिलेंडर ए के अंदर 1 मोल ऑफ गैस भरी हुई है और इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। जब ये गैस इस पोरस प्लग में से पास होके इस सिलेंडर बी में पहुंचेगी तो उसका जो प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर होगा गैस का, उस केस में P2, V2 एंड T2 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। हम मान लेते हैं कि P1 जो है वो P2 से ज़्यादा है, मींस पिस्टन सी जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा और पिस्टन डी जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। मींस ये जो पिस्टन सी है ये गैस के ऊपर वर्क करेगा, इस केस में यहाँ पर वर्क डन ऑन द गैस होगा और इस केस में गैस जो है वो पिस्टन डी पे वर्क करेगी, उसको बाहर की तरफ धकेलेगी। और जब पिस्टन सी आगे की तरफ मूव करेगा तो सिलेंडर ए की जो गैस है इस पोरस प्लग में से पास होके सिलेंडर बी के अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से कूलिंग अफेक्ट या फिर हीटिंग अफेक्ट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा, मीन्स जूल थॉम्सन अफेक्ट जो है आपको ऑब्जर्व होगा। ये हमारा पोरस प्लग है और ये जो हमारी वेसल्स की वॉल हैं वो इंसुलेटेड वॉल्स हैं, मीन्स यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगी गैस की फ्रॉम सिलेंडर ए टू सिलेंडर बी थ्रू पोरस प्लग के, वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, मीन्स ना तो हीट जो है गैस से सराउंडिंग में दी जाएगी ना ही सराउंडिंग से गैस में ली जाएगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि डायग्राम ये बनाएंगे आप, साथ के साथ आप इसकी थ्योरी में क्या लिख के आएंगे आइए वो देख लेते हैं। Let us consider two thermally insulated cylinders A and B fitted with piston C and D respectively which can move smoothly inside the cylinders. सबसे पहले आपको दो thermally insulated cylinders A and B consider करने हैं, यह हमारा cylinder A, यह हमारा cylinder B। दोनों cylinders जो हैं वो thermally insulated cylinders हैं, means cylinder से heat ना तो बाहर से अंदर आ सकती है ना ही अंदर से बाहर जा सकती है। और सिलेंडर ए के अंदर पिस्टन सी फिट किया हुआ है और सिलेंडर बी के अंदर पिस्टन डी फिट किया हुआ है और दोनों पिस्टन जो हैं वो स्मूथली बड़े आराम से सिलेंडर्स के अंदर मूव कर सकते हैं अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। द टू सिलेंडर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ पोरस प्लग पी। दोनों सिलेंडर्स को हमने पोरस प्लग से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने पोरस प्लग को के नाम दिया है तो मैं यहाँ पर पोरस प्लग को के नाम दे देता हूँ। तो दोनों सिलेंडर्स को हमने इस पोरस प्लग के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। Consider 1 mole of gas in the cylinder so that P1, V1 and T1 are the pressure, volume, temperature respectively of gas in cylinder A. हमने मान लिया कि इन cylinders के अंदर 1 mole of gas है और जब gas cylinder A के अंदर होगी तो उसका pressure, volume and temperature जो होगा वो होगा P1, V1 and T1। आगे देखते हैं। And P2, V2, T2 be their respective values in cylinder B after escaping through porous plug. और जब gas A cylinder से porous plug के through होते हुए सिलेंडर बी में पहुंचेगी तब उसकी जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की वैल्यूज होंगी वो होगी P2, V2 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। लेट P1 इज ग्रेटर देन P2 सो दैट पिस्टन सी मूव्स इनवर्ड्स एंड डी मूव्स आउटवर्ड्स। हम मान लेते हैं कि इनिशियल प्रेशर P1 जो है वो फाइनल प्रेशर P2 से ज्यादा है, जिसकी वजह से जो पिस्टन सी है जो सिलेंडर ए के अंदर मौजूद है वो पहले इस पोजीशन पे था डॉटेड लाइन वाली पोजीशन पर, अब वो कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस होके अंदर की तरफ मूव करेगा और वो न्यू पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पर, और जिसकी वजह से गैस जो है सिलेंडर ए से रश करेगी इस पोरस प्लग से होते हुए सिलेंडर बी में पहुंचेगी, जिसकी वजह से ये गैस जो है इस पिस्टन डी को आगे की तरफ धकेलेगी। पहले पिस्टन इस डॉटेड लाइन पर था, ये डी पिस्टन जो था वो डॉटेड लाइन की पोजीशन पर था, अब वो न्यू पोजीशन पर आ जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या लिख के आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स इस सिलेंडर ए को ध्यान से देखिए, इस सिलेंडर ए में जो गैस भरी हुई है हमने माना है कि P1 जो है वो P2 से ज्यादा है, जिसकी वजह से पिस्टन सी जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। पहले वो ये डॉटेड लाइन वाली पोजीशन पर था, अब वो न्यू पोजीशन पर आ गया है, मीन्स इस पिस्टन सी ने गैस के ऊपर वर्क किया है और वर्क डन का फॉर्मूला होता है PV, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर कितना है यहाँ पर P1 और वॉल्यूम कितना है V1, तो वर्क डन ये जो पिस्टन सी है गैस के ऊपर कितना करेगा P1 V1 करेगा। शुरुआत यहीं से करेंगे हम। नाउ वर्क डन ऑन द गैस बाय द पिस्टन सी इज इक्वल टू P1 V1। गैस के ऊपर कितना वर्क किया गया है पिस्टन सी के द्वारा वो है P1 V1। जबकि दूसरे केस में देखिए सिलेंडर बी में देखिए, जब पिस्टन सी आगे की तरफ मूव करेगा तो गैस कंप्रेस होगी और पोरस प्लग से पास होती हुई सिलेंडर बी में पहुंचेगी, जिसकी वजह से ये गैस जो है कुछ वर्क करेगी और सिलेंडर डी को डॉटेड लाइन वाली पोजीशन से न्यू पोजीशन पर लेके जाएगी। मींस यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो गैस के द्वारा होगा और वो वर्क डन किस पे किया जा रहा है, इस पिस्टन डी पर किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन क्या होगी, वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन डी। पिस्टन डी पर गैस ने कितना वर्क किया है P2 V2। तो स्टूडेंट्स नेट वर्क डन अगर हम निकालें, नेट वर्क डन को डेल्टा W से डिनोट करते हैं।
देखिए स्टूडेंट, जो वर्क डन बाय द गैस होता है वो पॉजिटिव होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और जो वर्क डन ऑन द गैस होता है वो नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय द गैस कितना है? P2V2, तो हमने यहाँ P2V2 लिख दिया। वर्क डन ऑन द गैस कितना है? P1V1, तो वो नेगेटिव होगा माइनस P1V1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो नेट वर्क डन इतना आ गया, वर्क डन बाय द गैस माइनस वर्क डन ऑन द गैस। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। आगे देखते हैं, एज द एक्सपेंशन ऑफ गैस इज एडियाबैटिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंशन है गैस की वो एडियाबैटिक कंडीशंस में करवाई जा रही है, इंसुलेटेड वेसल में करवाई जा रही है, मीन्स हीट का आदान प्रदान यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा, मीन्स डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होगी यहाँ पर जीरो होगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। यहाँ पर डेल्टा यू जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो है, तो हमने यहाँ जीरो लिख दिया। इज इक्वल टू डेल्टा यू हमने ऐसे रहने दिया प्लस डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो है P2V2 माइनस P1V1। फर्स्ट इक्वेशन से हमने यहाँ पर पुट कर दी, और डेल्टा यू इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1। डेल्टा यू रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ मान लेते हैं गैस की इंटरनल एनर्जी U1 है, यहाँ पर U2 है, तो चेंज हम कैसे निकालेंगे? फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1, मीन्स डेल्टा U की जो वैल्यू होगी वो होगी U2 माइनस U1। ये माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे पढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक कर चुके थे माइनस ब्रैकेट स्टार्ट U2 माइनस U1 इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1। तो हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा अंदर का, तो ये बन जाएगा माइनस U2 प्लस U1 इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1। P1V1 को इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा U1 प्लस P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर मैंने S2 लिख दिया जबकि यहाँ पर P2V2 आना था, और ये U2 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स U प्लस PV एक नया फंक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी फंक्शन, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी जो है वो टोटल हीट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे कि एंथैल्पी आखिरकार क्या चीज़ होती है, क्या फंक्शन होता है। अभी बस आप ये याद रख लीजिए कि U प्लस PV को हम H से डिनोट करते हैं, और H होती है एंथैल्पी। तो U1 प्लस P1V1 क्या बन जाएगा? H1। और U2 प्लस P2V2 क्या बन जाएगा? H2। सो H1 एंड H2 जो है वो बराबर आ चुके हैं, मींस इस केस में इनिशियल H1 क्या है? इनिशियल एंथैल्पी, और H2 क्या है? फाइनल एंथैल्पी, वो दोनों बराबर आ रही हैं। दैट इज इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पीज आर इक्वल। हम मान लेते हैं कि सिलेंडर A के अंदर जो गैस की एंथैल्पी थी वो H1 थी, और सिलेंडर B के अंदर जब वो पोरस प्लग में से इधर एस्केप होकर आ गई, तो यहाँ पर एंथैल्पी H2 है। मीन्स इनलेट एंड आउटलेट पे जो एंथैल्पीज हैं वो इक्वल आ रही हैं, इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पीज आर इक्वल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जूल थॉम्सन इफेक्ट जो होता है वो आइसो एंथैल्पी का इफेक्ट होता है, कि मीन्स सिस्टम के एंथैल्पी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। Therefore, जूल थॉम्सन इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोएंथैल्पिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जूल थॉम्सन इफेक्ट जो है वो आइसोएंथैल्पिक इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नाउ द इंटरनल एनर्जी यू ऑफ अ गैस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है यू, वो दो प्रकार की एनर्जीज का सम होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस लिए आती है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से उनके अंदर जो एनर्जी होती है उनको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और दूसरी प्रकार की जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो आती है मॉलिक्यूल्स के अंदर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से एनर्जी पोजेस करते हैं मॉलिक्यूल्स, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। फर्स्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी, इट इज ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी इंटरनल एनर्जी में, वो क्यों होती है? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, जिसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा गैस का, उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, मींस काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर के। तो फर्स्ट पॉइंट आपने लिख दिया, सेकंड पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, और आगे की जो मैथमेटिकल एनालिसिस है इस टॉपिक का वो भी कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी, जो की होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप हेडिंग बनाएंगे सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स।
ये एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो एनर्जी पोजेस करते हैं, और वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, मींस इंटरनल एनर्जी जो है यू, वो कनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। कनेटिक एनर्जी को हम के से डिनोट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को पी से डिनोट करेंगे। लेट के वन एंड पी वन रिस्पेक्टिवली बी द कनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस इन सिलेंडर ए। तो हम मान लेते हैं कि सिलेंडर ए के अंदर जो कनेटिक एनर्जी है गैस की वो के वन है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पी वन है। एंड के टू पी टू बी द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन बी, और के टू है कनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर बी, और पी टू है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर बी। तो यू वन क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सिलेंडर ए की बात हो रही है। तो यू वन इज इक्वल टू के वन प्लस पी वन। इसी प्रकार से सिलेंडर बी के अंदर टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कनेक्टिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि है के टू पी टू सिलेंडर बी के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे, दो केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस जो है वो परफेक्ट गैस के लिए स्टडी करेंगे, फिर हम रियल गैस की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं परफेक्ट गैस की। लेट अस फर्स्ट कंसीडर केस ऑफ परफेक्ट गैस। पहले हम परफेक्ट गैस का केस लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने वन मोल ऑफ परफेक्ट गैस लिया हुआ है। इन केस ऑफ परफेक्ट गैस बॉयल्स लॉ इज ओबेड। परफेक्ट गैस के केस में बॉयल्स लॉ ओबे होता है। बॉयल्स लॉ में क्या कहता है, P1V1 is equal to P2V2, यानी कि प्रोडक्ट जो होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम का वो कांस्टेंट होता है, चाहे वो सिलेंडर ए में हो चाहे सिलेंडर बी में हो। सो फ्रॉम इक्वेशन U1 plus P1V1 is equal to U2 plus P2V2 we have, हमने जो पीछे अभी जहां पर हमने एंथैल्पीज को इक्वल प्रूफ किया था, H1 equal to H2 प्रूफ किया था, तो उससे पहले वाली इक्वेशन में हमने क्या शो किया था कि U1 plus P1V1 is equal to U2 plus P2V2 शो किया था। अगर P1V1 and P2V2 बराबर हैं परफेक्ट गैस के लिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में U1 इक्वल टू U2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स U1 इक्वल टू U2 आ गया, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, और बाकी का जो पोर्शन बचा है इस टॉपिक का वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक प्रूफ कर चुके थे U1 इक्वल टू U2, U1 क्या था हमारा K1 प्लस P1 और U2 क्या था K2 प्लस P2। हम बात कर रहे थे परफेक्ट गैस की। तो परफेक्ट गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये मान के चलते हैं कि कोई फोर्स ओवर अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी गैस मॉलिक्यूल्स की सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी के अंदर वो बराबर होंगी और जीरो के बराबर होंगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आती है और वो जीरो होती है परफेक्ट गैस में, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होंगी। तो स्टूडेंट्स इस केस में आप क्या लिखेंगे, बट सिंस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ परफेक्ट गैस दैट इज P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू जीरो, सो फ्रॉम इक्वेशन ए वी हैव K1 इक्वल टू K2, क्योंकि परफेक्ट गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए P1 और P2 की वैल्यू सेम होंगी सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होंगी गैस की और वो इक्वल टू जीरो होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। अगर आप P1 P2 यहाँ पर जीरो पुट कर दो तो K1 बराबर K2 आ जाएगा, बट कनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल टू होती है। अगर K1 बराबर K2 आ रहा है, इसका मतलब सिलेंडर ए में जो टेम्परेचर होगा गैस का वही टेम्परेचर होगा गैस का सिलेंडर बी के अंदर, देन T1 इक्वल टू T2, दैट इज अ परफेक्ट गैस विल नॉट शो एनी चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स परफेक्ट गैस जो है जब पोरस प्लग में से एक्सपैंड होगी, सिलेंडर ए से सिलेंडर बी की तरफ एक्सपैंड होगी, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ जाएगी, तो कोई भी टेम्परेचर जो है उसमें चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर एज इट इज रहेगा। मीन्स परफेक्ट गैस जो है वो जूल थॉम्सन इफेक्ट शो नहीं करती, दैट इज जूल थॉम्सन इफेक्ट फॉर परफेक्ट गैस इज जीरो। बट हम डेली लाइफ में परफेक्ट गैसेज से डील नहीं करते, हम रियल गैसेज से डील करते हैं। रियल गैसेज केस में क्या सिनेरियो रहेगा वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो परफेक्ट गैसेस होती हैं वो जूल थॉम्सन इफेक्ट शो नहीं करती। आइए बात करते हैं रियल गैसेस के बारे में। लेट अस नाउ डिस्कस केस ऑफ रियल गैसेस। देयर कैन बी टू केसेस जब हम रियल गैसेस के बारे में बात करेंगे, और रियल गैसेस केस में दो केसेस देखने को मिलेंगे। रियल गैसेस वो होती हैं जो बॉयल्स लॉ को ऑब्वे नहीं करती, तो इसमें कौन कौन से दो केसेस बनेंगे, बिलो बॉयल्स टेम्परेचर एंड अबव बॉयल्स टेम्परेचर। तो पहले आप हेडिंग बनाएंगे बिलो बॉयल्स टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रियल गैसेस बिलो बॉयल्स टेम्परेचर, देन ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर PV डिक्रीजेस। देखिए स्टूडेंट्स जब रियल गैस का टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम होता है, तो जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है PV का वो डिक्रीज होता है। मीन्स कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं इस पिस्टन सी के थ्रू, तो इस केस में जो P1 V1 होगा वो डिक्रीज होगा और P2 V2 जो है वो इंक्रीज होगा। तो इस केस में हमारा P1 V1 जो है वो P2 V2 से कम रहेगा, मींस P2 V2 जो है वो P1 V1 से ग्रेटर देन होगा। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो फ्रॉम इक्वेशन U1 प्लस P1 V1 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2, तो ये स्टूडेंट्स हमने पिछले सेक्शन में इक्वेशन निकाल दी जहाँ पर हमने H1 H2 जो है इक्वल प्रूव किया था। तो उस केस में अगर P2 V2 P1 V1 से बड़ा है तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये टर्म बड़ी है ये टर्म छोटी है, पर आपको दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो आपको U1 जो है U2 से बड़ा होना पड़ेगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स का, ये दोनों टर्म जो है वो 10-10 के बराबर है, ये 10 है ये 10 है। तो स्टूडेंट्स ये 10 हमारे पास आया है 6+4 करके, और ये हमारे पास आया है हमारे पास 3+7 करके। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 बड़ा है 3 से, P2 V2 जो है वो P1 V1 से बड़ा है, तो उस केस में U1 क्या हो रहा है, U2 से बड़ा हो रहा है, 7 क्या हो रहा है, 4 से बड़ा हो रहा है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने इक्वालिटी मेंटेन करा कर रखनी है, ये इक्वल को सही प्रूफ करना है, तो अगर P2 V2 P1 V1 से बड़ा है तो U1 जो है वो U2 से बड़ा होना ही पड़ेगा। सो U1 ग्रेटर देन U2, तो U1 क्या था K1 प्लस P1 और U2 क्या था K2 प्लस P2, मींस K1 प्लस P1 शुड बी ग्रेटर देन K2 प्लस P2, क्योंकि गैस यहाँ पर एक्सपेंड कर रही है, तो मींस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है गैस की वो इंक्रीज होगी। मींस सिलेंडर बी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी गैस की P2 वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इन सिलेंडर ए। P2 इज ग्रेटर देन P1, अगर P2 P1 से बड़ा है और ये सम जो है वो K2 प्लस P2 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, K1 को K2 से बड़ा होना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन बी, इस इक्वेशन से अगर P2 P1 से बड़ा है और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, तो नेचुरल है K1 जो है वो K2 से बड़ा होगा, K1 ग्रेटर देन K2। बट जो कनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। K1 ग्रेटर देन K2 का मतलब ही है कि T1 जो है वो T2 से बड़ा होगा, सो देर विल बी डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर T1 ज़्यादा है, सिलेंडर ए में गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है, सिलेंडर बी में गैस का टेम्परेचर कम है, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर में फॉल हो रहा है, मीन गैस जो है वो कूलिंग इफेक्ट शो कर रही है। तो स्टूडेंट्स इसके अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि जब रियल गैस का टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से अबव होगा तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या हमें कूलिंग इफेक्ट ही देखने को मिलेगा या हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक पे, हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे रियल गैसेस का, और सेकंड केस होगा अबव बॉयल्स टेम्परेचर। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रियल गैसेस अबव बॉयल्स टेम्परेचर देन ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर पीवी इंक्रीजेस। जब हमारी रियल गैस का टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो उस केस में जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो पीवी जो है वो इंक्रीज होगा। सी पिस्टन को जब आप अंदर की तरफ मूव करवाएंगे तो पीवी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, मीन्स इस केस में P1 V1 जो होगा वो P2 V2 से ज्यादा होगा, पिछले केस से ऑपोजिट होगा। पहले P2 V2 जो है वो P1 V1 से ज्यादा था, अब P1 V1 जो है वो P2 V2 से ज्यादा है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 वी हैव, अगर P1 V1 जो है P2 V2 से ज्यादा है तो ये इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए, तो नेचुरल सी बात है U1 जो है वो U2 से स्मॉल होना चाहिए। सो इससे हमें क्या मिलेगा, U1 स्मॉलर देन U2, अगर P1 V1 P2 V2 से बड़ा है तो U1 जो है वो U2 से छोटा हो जाएगा। U1 क्या था K1 प्लस P1 और U2 क्या था K2 प्लस P2, तो स्टूडेंट्स ये हमारी सी इक्वेशन होगी। एज द गैस इज एक्सपेंडिंग सो P2 जो है वो P1 से बड़ा होगा, क्योंकि गैस की एक्सपेंशन हो रही है और जब एक्सपेंशन होती है तो पोटेंशियल एनर्जी नेचुरली बढ़ती ही है, तो P2 जो है वो P1 से बड़ा होगा, तो P2 जो है वो P1 से बड़ा होगा, और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है तो ये टर्म हमें बड़ी ही रखनी है, तो इसका मतलब ये होगा K2 जो है वो K1 से बड़ा होगा। सो एज ए रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन सी, सो सी इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, अगर P2 P1 से बड़ा है तो K2 भी K1 से बड़ा होगा, और जो कनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। अगर K2 K1 से बड़ा है तो T2 जो है वो T1 से ही बड़ा होगा, मीन्स जब गैस एक्सपेंड करेगी एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर पोरस प्लग में से, तो इस केस में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। तो मीन्स जब भी किसी रियल गैस का टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से ज़्यादा होगा और उसको जब हम पास करवाएंगे पोरस प्लग में से, तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, इस केस में हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। दस एट टेम्परेचर अबव बॉयल्स टेम्परेचर व्हेन गैस पासिस थ्रू अ पोरस प्लग देन इट शोज हीटिंग इफेक्ट, तो इस केस में हमें कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट जो है फर्स्ट एंड सेकेंड केस में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा थ्योरी ऑफ जूल थॉम्सन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ जूल थॉम्सन
बोरोस्कुलर एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे जूल थॉम्सन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के एनालिटिकल ट्रीटमेंट वाले वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।